मैं इतिहास में ना जाते हुए वर्तमान की एक बात आपको बताना चाहता हूं। जब पूरा देश मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती मना रहा है, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक उसी वक्त इस देश की सरकार इस देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के ऊपर लाठियां, आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन चलवा रही है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि हो सकता है कि हमारा इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा हो, लेकिन जो हमारा वर्तमान है वो चिंताजनक है। और आज मुझे उस दीक्षांत समारोह में जाना था, क्योंकि मुझे भी अपनी पीएचडी वर्तमान है वो चिंताजनक है। और आज मुझे उस दीक्षांत समारोह में जाना था क्योंकि मुझे भी अपनी पीएचडी की डिग्री लेनी है। उपराष्ट्रपति और शिक्षा मंत्री आए हैं वहाँ पे डिग्री देने के लिए, लेकिन डिग्री वो लोग दे रहे हैं जो इस देश में बिना डिग्री की सरकार चला रहे हैं। एक व्यक्ति ने हमको कहा कि इन नेताओं के पास कोई डिग्री नहीं है। हमने कहा पढ़ने लिखने की डिग्री नहीं है, टॉर्चर करने की डिग्री है। और टॉर्चर जो करने वाले लोग हैं वो काफी हैं। दरअसल वो इस मुल्क में शिक्षा की, शिक्षा व्यवस्था की, शिक्षण संस्थानों की हत्याएं कर रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि इन हत्यारों के हाथ से जो है कोई डिग्री ली जाए। और मुझे तकलीफ है कि हम किस दौर में जिंदा है। हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। हम इस दौर में है कि बड़ी चालाकी से सब कुछ हमारे आंखों के सामने बदला जा रहा है, और कहीं ना कहीं हम अपने आप को उसके लिए जिम्मेवार मानते हैं। मेरी कोई भी आलोचना, आप लोग ये ना समझिएगा कि ये आपकी आलोचना है या किसी पार्टी की आलोचना है, ये मेरी आलोचना है। आलोचना ये है, जिसको बहुत साफ गोई से हमारी सीनियर साथी पूर्व सांसद सिलचर ने कहा कि मुझे हिंदी नहीं आती है, और बहुत शानदार हिंदी उन्होंने कही, और आखिर में बड़ी सहजता से लोगों से माफी मांग लिया कि अगर कोई त्रुटि रही हो। इसको साफ गोई कहते हैं, लेकिन ये साफ गोई आपको आजकल राजनीति में और उसके मूल्य में देखने को नहीं मिलेगा। मसला क्या है कि नेता लोग बहुत शातिर हो गए हैं। शातिर इस तरह से हैं कि किसी जलसे में जाएंगे और बड़े गौर से सुनने वालों को देखेंगे। कुछ टोपी दाढ़ी वाले लोग अगर दिख जाएं तो अचानक से उर्दू वाली हिंदी बोलना शुरू कर देंगे। अगर कुछ तिलक वाले लोग दिख जाएं तो संस्कृत वाली हिंदी बोलना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा संकट आज इस राजनीति में यह है कि विचारधारा का पता ही नहीं चलता है। विचारधारा का यदि पता चलता तो देश की यह दुर्दशा नहीं होती। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती के मौके पे पिछले साल मैं कांग्रेस का जो अल्पसंख्यक सेल है, शब्द पे गौर कीजिएगा, माइनॉरिटी सेल की तरफ से एक प्रोग्राम हुआ था, उसके आयोजन में मैं हैदराबाद गया था। हैदराबाद माइनॉरिटी सेल, मैंने वहां भी कहा था कि अगर इसी तरीके से राजनीति चलती रही कि अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए आप किसी दलित सांसद या विधायक को ढूंढ लाएं और इसकी जिम्मेवारी दलित प्रकोष्ठ को दे दें, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की जयंती मनाने के लिए किसी मुसलमान को ढूंढ लाएं और इसकी जिम्मेवारी अल्पसंख्यक सेल को दे दें, इससे तो देश नहीं बचने वाला है। दिनकर जी की जयंती मनाने के लिए ब्राह्मण समाज के सांसदों को ढूंढ लाएं और वहां के सारे ब्राह्मण नेताओं को जमा कर दें, भूमिहार नेताओं को जमा कर दें, इससे हमारे सारे शब्द खोखले हो जाएंगे। और ये शब्द खोखले हो गए हैं। संविधान की प्रस्तावना जो हम तमाम लोगों को बराबरी का एहसास दिलाती है, वो सारे शब्द आज अपने मायने खो रहे हैं। क्या मतलब रह गया है आप मुझे बताइए? सेकुलर होने का, सामाजिक न्याय का, समानता का, और पूरे के पूरे संविधान का। जब संविधान को सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोग एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। किस बात का डर है? किस चीज से डर रहे हैं? खोने को क्या है? अब पाने को लिए पूरा का पूरा संसार बचा हुआ है, क्या खोएंगे?
इससे और ज्यादा बुरा कुछ हो सकता है क्या? कि इस देश में जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहा हो, देश का गृहमंत्री बन करके बैठा हुआ है, इस पे कोई बोल क्यों नहीं रहा? कैसे बोलेंगे? क्योंकि बोलेंगे, अगर सुबह में बोलेंगे तो शाम को ईडी का नोटिस आएगा, और शाम को जब ईडी का नोटिस आएगा तो रात को चुपके से मुलाकात की जाएगी, और सुबह को जो कांग्रेसी था वो रात होते होते अगली सुबह भाजपा ही हो जाएगा। और जो बोलने की हिम्मत रखता है, जिसके पास खोने को कुछ नहीं है, ईडी सीबीआई से डरता नहीं है, उसे राजनीति में उभरने का मौका नहीं दिया जाता है। आप सब लोग इस बात को स्वीकार करेंगे, तो मैं कहता हूं कि छोड़ दीजिए। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में किसी को किसी से भय हो सकता है, चुनाव को जाने देते हैं। वैसे भी क्या लग रहा है कि चुनाव आज के डेट में एक साधारण व्यक्ति के लड़ने के लिए कोई अवसर छोड़ा? कोई अवसर नहीं बचा। अगर आपके पास करोड़ों रुपया नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, यही सच्चाई है। हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए, अपना नेता चुनने के लिए नहीं। आज हमारे सामने इस तरीके से विकल्प प्रस्तुत किया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे? माननीय नरेंद्र मोदी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन अमित शाह के बॉस, तीसरा ऑप्शन अंबानी के दोस्त, और चौथा उपरोक्त सहित सभी। यह विकल्प है, यह लोकतंत्र का विकल्प है, इसको हम लोकतंत्र कहते हैं। इसके लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद, जब देश के तकसीम की बात हो रही थी, बंटवारे की बात हो रही थी, तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ा होकर के इस देश के मुसलमानों को कहे थे कि यह मुल्क आपका है, आप इसको छोड़ के मत जाइए, आपकी आवाज के बिना इस मुल्क की आवाज पूरी नहीं होती है। यही तकरीर था ना। और वो जब शिक्षा मंत्री बने तो उन्होंने इस देश के लिए एक योजना बनाई, भाषण नहीं दिया, एक योजना बनाई। भाषण देने का वक्त था, भाषण दिया, और जब शिक्षा मंत्री बने तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए एक योजना बनाई, और उस योजना के आधार पर जितनी बेहतरीन शिक्षण संस्थाएं आप देखते हैं उसकी नींव रखी गई। मुझे ये हॉल याद आ रहा है, मैं बिल्कुल पीछे बैठा हुआ था। ये तो सरकार की करिश्मा है, या कह लीजिए कि उनकी ऐसी व्यवस्था है कि पिछली सीट से उठ करके मैं यहाँ स्टेज पे आ गया। तो मैं पिछली सीट पे बैठा करता था और मुझे प्रोग्राम याद आ रहा है इसी हॉल में, कि बिहार सरकार ने एक आयोग बनाया था, समान शिक्षा प्रणाली आयोग, जिसके सहवाल जी मेंबर थे और झा जी मेंबर थे, एमएम झा का नाम आप लोग सुने होंगे। वो योजना, वो आयोग बन के तो तैयार हुई, उसके जो है सारी सिफारिशें दी गई, लेकिन उन सिफारिशों को कभी बिहार सरकार में लागू नहीं किया गया। और मैं शिक्षा का जिक्र क्यों कर रहा हूं? मैं शिक्षा का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज जो हम झेल रहे हैं उसके लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था जिम्मेवार है। एजुकेशन को हमने प्रायोरिटी नहीं दी। मैं, चंदन जी हमारे सीनियर हैं, मैं उनके साथ किसी बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन हम लोग जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं वो यूनिवर्सिटी कब बनी है? जब श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी और उस सरकार को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही थी, और पीसी जोशी, कल्पना दत्त का नाम आप लोग सुने होंगे, कल्पना दत्त के पति थे वो, पीसी जोशी का ब्रेन चाइल्ड था जेएनयू का बनना। एक ऐसी यूनिवर्सिटी बने जहां पर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जा सके। और देख लीजिए, जब पूरे देश में चुप्पी है, वो यूनिवर्सिटी अपने पूरे साहस के साथ खड़ा है। तमाम बदलावों के बावजूद, तमाम कोशिशों के बाद, हमारे यहाँ के एक कवि हुए गोरख पांडे, उन्होंने कहा कि इनके पास तमाम धन दौलत है, गोला बारूद है, सब कुछ है, फिर भी ये डरते हैं। किस बात से डरते हैं? ये इस बात से डरते हैं कि एक दिन इसे लोग डरना बंद कर देंगे। जेएनयू डरना बंद कर दिया है, जेएनयू सरकार से नहीं डर रहा है, उसको ना ईडी का डर है ना सीबीआई का डर है, वो अपनी पीढ़ी के लिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए आज लड़ रहा है। किस बात की लड़ाई है? जेएनयू का फीस 999% बढ़ा दिया गया। मैं आज अगर यहाँ पीएचडी करके खड़ा हूँ, चंदन जी पढ़े हैं, शकील साहब पढ़े हैं, वो इसलिए पढ़े हैं क्योंकि शिक्षा वहाँ पे सस्ती थी, और सरकार की समझदारी थी जब वो जेएनयू यूनिवर्सिटी बनी कि लोगों को पढ़ने का अवसर दिया जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसको भी पढ़ाया जाएगा।
मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपसे साझा करता हूँ। मेरी पूरी की पूरी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में हुई है। जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था पहली कक्षा में, उसके बाद हमारे शिक्षकों ने कहना शुरू किया मेरे पिताजी को कि इसको किसी प्राइवेट स्कूल में भेज दीजिए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक सरकारी स्कूल के टीचर कह रहे हैं कि इसको किसी प्राइवेट स्कूल में भेज दीजिए। तो मेरे पिताजी ने कहा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है इसको निजी स्कूल में पढ़ाने का। तो उन्होंने कहा कि चाय छोड़ दीजिए, दूध लेना बंद कर दीजिए और दूध का जो महीना होता है उसे इसको एक निजी स्कूल में भेजिए। मैं 2 साल के लिए एक निजी स्कूल में पढ़ने के लिए गया था और मुझे फर्क पता चल गया। फर्क यह था कि सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं क्लास 6 में दिस इज द कैट पढ़ते हैं, और जो निजी स्कूल है वो क्लास 3 से एडवांस इंग्लिश लर्निंग पढ़ते हैं। तो आप स्कूल से ही विद्यार्थियों को अवसर की समानता नहीं देते हैं। जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं आप कहते हैं कि वो मदरसे से निकल करके UPSC में DPS से पढ़े हुए बच्चों से मुकाबला करेंगे, तो वो कैसे मुकाबला करेंगे? सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, निजी शिक्षण संस्थानों की बात छोड़ दीजिए। सरकार की तरफ से ही कितने विद्यालय चलाए जा रहे हैं? नवोदय विद्यालय अलग है, सेंट्रल स्कूल अलग है, कस्तूरबा विद्यालय अलग है, राज्य की तरफ से चलने वाली सरकारें अलग है, सैनिक स्कूल अलग है। इतने तरह की शिक्षाएं दी जा रही है, और जब इतने तरह की शिक्षाएं दी जाएंगी तो आप मुझे बताइए कि भारत एक कैसे होगा? हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति कैसे नहीं होगी? जात के नाम पे राजनीति कैसे नहीं होगी? क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग सिटीजन नहीं बने, लोग नागरिक नहीं बने, लोग हिंदू और मुसलमान बन करके रहे। और जब इस आधार पे राजनीति होगी, अगर इस तरफ हिंदुओं के नाम पे राजनीति की जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर उस तरफ भी मुसलमानों के नाम पे राजनीति की जाएगी। आप इसको नहीं रोक पाएंगे। अगर इसको रोकना चाहते हैं तो इसकी बुनियाद में जाकर के हमको चोट करना पड़ेगा, और बुनियाद यह है कि शिक्षा आज भी इस देश के लिए राजनीति का विषय नहीं है, मुद्दा नहीं है। यहाँ हम तमाम राजनीतिक दलों के लोग बैठे हुए हैं। हम लोग भी अपने घोषणा पत्र में शिक्षा को महत्व नहीं देते। कब से यह बात पेंडिंग पड़ी हुई है कि कोठारी कमीशन की रिपोर्टों को लागू किया जाए, GDP का जो 6% है उसको एजुकेशन पे खर्च किया जाए, बजट का जो 10वां हिस्सा है, हम लोग नारा लगाते थे जब यूनिवर्सिटी में थे, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा, आज तक बजट उस पर खर्च नहीं किया जा रहा है। और जब हमने ये काम नहीं किया, जब हमने लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अवेयर नहीं किया, और आज हम लोग नेशनल एजुकेशन डे मना रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2004 में बिहार के दो लॉयर जो गया के रहने वाले हैं, उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। तब जाकर के 2006 में बिहार सरकार ने मौलाना आजाद की जयंती को एजुकेशन डे के रूप में मनाना शुरू किया, और फिर बिहार सरकार के इनिशिएटिव के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनली मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाना शुरू किया। ये सवाल उठाया गया कि नेहरू जी की जयंती अगर बाल दिवस हो सकता है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती शिक्षा दिवस के रूप में क्यों नहीं मनाई जाती? इसलिए नहीं मनाई जाती थी क्योंकि उस वक्त हमको लगता नहीं था कि हमको एक आइकन की जरूरत है। क्योंकि देश में जब डराने की राजनीति होती है तो लोगों को लगता है कि बहुसंख्यकवाद से अल्पसंख्यक अपने आप डरेगा, और जब अल्पसंख्यक अपने आप डरेगा तो हम ही कौन वोट देगा, क्योंकि सेकुलरिज्म का ठेका तो हम ही उठा करके चले हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ कि सेकुलरिज्म की लड़ाई कमजोर होती चली गई। आज हमको वो आइकन्स याद आ रहे हैं, ये खुशी की बात है। लेकिन ये आइकन्स अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो ये जहां से जाकर के सवाल उठाते हैं वहीं से जाकर के इनको जवाब दिया जा सकता है। मजेदार बात यह है कि शिवाजी का जो मुख्य सेनापति था वो मुसलमान था, और दूसरी तरफ मुसलमानों की तरफ से जो सेना लड़ने के लिए आई थी उसका जो मुख्य सेनापति जो था वो हिंदू था। ये लड़ाइयां कभी भी धर्म के आधार पर नहीं हुई है, ये लड़ाइयां राज के लिए हुआ है। मंदिर और मस्जिद गिराए गए हैं, लेकिन मंदिर और मस्जिद धर्म के लिए नहीं, संपदा के लिए गिराए गए हैं। आप देख लीजिए, आपको इतिहास में यह मिलेगा कि हिंदू राजाओं ने मंदिरों को तोड़ा, यह इतिहास मिलता है, और मुसलमान राजाओं ने भी मंदिरों को तोड़ा। आपको यह भी उदाहरण मिलेगा कि हिंदू राजाओं ने जिन मंदिरों को तोड़ दिया मुसलमान राजाओं ने उसको दान दिया है। आप टीपू सुल्तान के बारे में ये कहानी पढ़ सकते हैं कि मराठों ने एक मंदिर को 2 बार गिराई और टीपू सुल्तान ने 2 बार उसको अनुदान दिया। ये इस देश का इतिहास है, आज इसी इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जा रही है, और जो इतिहास